बजे शुरू हुआ था, 1 बजे बाबा अभी आपने मुरली में बोला नेत्र सबसे फर्स्ट इंद्रिया में आती है, नेत्र तो हम जानते हैं सबसे फर्स्ट इंद्रिया में आती है। कौन से युग में? कलयुग में, इस युग में माने सतयुग में भी है? संगम युग में नेत्र सबसे फर्स्ट इंद्रिया में आती है। जब तक संगम युग रहेगा आखिर तक भ्रष्ट इंद्रियों में रहेंगे, पक्का कर दिया? अपने लिए करोगे कि दूसरों के लिए करोगे? हैं, श्रेष्ठ कर्म करने से, श्रेष्ठ वाचा बोलने से, श्रेष्ठ संकल्प करने से श्रेष्ठ इंद्रियां बनती हैं। अरे कर्म करने से ही इंद्रियां भ्रष्ट और श्रेष्ठ मिलती है ना। अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में इंद्रियां श्रेष्ठ मिलेंगी, भ्रष्ट कर्म करेंगे तो इंद्रियां भी भ्रष्ट ही मिलेंगी। शरीर की संरचना किस आधार पर होती है? कर्मों के आधार पर होती है या बिना कर्मों के? कर्मों के आधार पर होती है। तो ये संगम युग है, आस्तीस युग, इसमें भगवान बाप आते हैं। एक जन्म में ही कितनी बड़ी उपलब्धि, जो आंखें सबसे जास्ती धोखेबाज हैं उन्हीं धोखेबाज आंखों को क्या बनाए देते हैं? एक जन्म में श्रेष्ठ बनाए देते हैं। कमल नयन कहा जाता है। क्या, कैसे कमल नयन? क्या विशेषता है उनकी? हैं? कैसी भी कीचड़ जैसी दृष्टि वाली आत्माएं हो, उनके संग के रंग में आने पर भी नीचे नहीं गिरेंगी, क्योंकि परमात्मा बाप की याद में रहती है। तो एक जन्म में ही कितनी भारी उपलब्धि हो जाती है। ऐसे नहीं संगम युग में इंद्रियां, खास करके आंख, अंत तक सबसे जास्ती धोखेबाजी ही रहेगी। ये भी अपनी अपनी याद की तीव्रता के ऊपर है। जो जितना याद में रहेंगे इंद्रियां उतनी ही शीतल होती जाएंगी। और भ्रकुटी में जाने का क्या रास्ता है? भ्रकुटी में जाने का क्या रास्ता है? भ्रकुटी में जाने का क्या रास्ता है? बुद्धि में निश्चय बैठा होगा कि भ्रकुटी में ही आत्मा रहती है। तो शरीर में सबसे श्रेष्ठ क्या है? आत्मा है। सारे शरीर रूपी राज्य का राजा कहाँ बैठा हुआ है? भ्रकुटी में बैठा हुआ है। अगर ये निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है तो मन कहाँ जाएगा? भ्रकुटी में जाएगा। और सतयुग में ज्ञान तो है नहीं, वहाँ सुख कहाँ से आ गए? ज्ञान की प्रारब्ध कहाँ मिलती है? सतयुग में मिलती है या संगम युग में मिलती है? बाप कहाँ आते हैं? सतयुग में आते हैं या भगवान बाप संगम में आते हैं? नहीं समझ में आया? है? या तो पूछो, नहीं समझ में आया तो आगे। बाबा जंक वाली चीज को मिल है,
जंक वाली सुई को मिट्टी के तेल में डालते हैं है? इसका मतलब ये है कि लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। कोई आत्माओं पर इतनी जास्ती जंक या खाद लगी हुई है विकारों की कि बाप की याद तो छोड़ो, बाप की दृष्टि भी सामने मिलती हो तो भी नहीं जाने लगे। अब इसको क्या कहें, क्या कहें? जंक जास्ती लगी हुई है, विकारों की कट जास्ती चढ़ी हुई है या थोड़ी चढ़ी हुई है? हैं? जास्ती चढ़ी हुई है। तो फिर साधारण चिकनाई में डालने से काम नहीं होगा, घी में डालने से नहीं होगा, साधारण तेल में डालने से भी नहीं होगा। कहाँ डालना पड़े? देह अभिमानी की मिट्टी के तेल में डालना पड़े। जो देह अभिमानी होते हैं ना, सबसे जास्ती देह अभिमानी धर्म कौन सा है? इस्लामी। ऐसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उनके संग के रंग में उनको डालना पड़े। हाँ, भगवान बाप को भी गुस्सा आता क्या है? गुस्सा आ जाता है क्या? नहीं आता? गुस्सा आने की बात ही नहीं है। कितना भी समझाओ, कितना भी ज्ञान दिया जाए तो भी उनको नींद आएगी। जैसे गर्म तवा होता है ना, तो पानी के छींटे डाले जाते हैं तो क्या होता है? पटाक से उड़ जाता है। मिट्टी का तेल ज्यादा कौन से धर्म में निकलता है? अरब देश में ही ज्यादा क्यों निकलता है? हैं? 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 संगम युग में ज्यादा लंबे समय तक इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के हाथ में ज्ञान की सत्ता रही होगी। रही कि नहीं रही? रही। तो ज्ञान तेल कैसा हो गया? मिट्टी का तेल बन जाता है। फिर रिफाइन करके पेट्रोल बनाना पड़े या तो डीजल बनाना पड़े। ऐसा भी रिफाइंड पेट्रोल होता है जो हवाई जहाज में डाला जाता है। ऊंची स्टेज में जाता है कि नीची स्टेज में? ऊंची स्टेज में जाता है। रॉकेट तो नहीं बन जाता है? और दस पैसे में विश्व की भाषाई का क्या अर्थ है? दस पैसे में विश्व की भाषाई का क्या अर्थ है? काय में विश्व की भाषाई? दस पैसे में विश्व की भाषाई मिलेगी। माना किसी के पास कम पैसा है, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, जैसे आज के तीसरे नंबर के किसान कर्ज लेते रहते हैं, किसी तरह दो रोटी खाते रहते हैं, बैंक में डालने के लिए उनके पास पैसा है ही नहीं, तो
तो जरूर खाने पीने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होगा, हड्डियां पसलियां बाहर दिखाई पड़ती होंगी। तो वो अपने रुपए दो रुपए जो कमाते हैं, बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है, सारी जमीन जमींदारों ने कब्जे में कर रखी है पैसे वालों ने, तो दूसरों की जमीन लेकर के खेती करते हैं मजदूरी करके, जबकि खेती में कुछ पैदाइश इतनी होती ही नहीं। तो कितना बचा पाते होंगे, रुपया दो रुपया भी अगर बचता है महीने में तो उनके लिए जास्ती है या थोड़ा है, है? उनके लिए तो बहुत जास्ती है। वो एक रुपए में से अगर दस पैसे भी देते हैं और ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं तो तथाकथित गुरुओं की नजर में भले वो नीचे हो लेकिन बाप की नजरों में बहुत ऊंचे हैं। दस पैसे में भी विश्व की बात सही ले सकते हैं। और बाबा एक त्रिमूर्ति के चित्र में ना विष्णु की मूर्ति खड़ी क्यों दिखाई है, अकेली खड़े क्यों दिखाई जाते हैं? कौन विष्णु की मूर्ति, बाकी तो ब्रह्म विष्णु जो पुरुषार्थी है वो शंकर जी के मुकाबले और ब्रह्मा जी के मुकाबले पुरुषार्थ में लगातार ज्यादा खड़ा रहा होगा, बल ज्ञान बेसिक का मिले एडवांस का न भी मिले तो भी ईश्वरीय सेवा में अपना समय जास्ती दिया होगा। ब्रह्मा और शंकर इनका जो तन है वह पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? पुरुष चोला। पुरुष चोला के लिए क्या बोला है और स्त्री चोला के लिए क्या बोला है मुरलियों में? क्यों है ऐसी बात क्यों बोल दी कि पुरुष सब दुर्योधन तो शासन राम कृष्ण को भी लपेटे में ले लिया? उनको बैठ के पुरुषार्थ करना पड़े क्या? सहज योगी हुए या फिर भी हठ योगी हुए क्या कहेंगे? है हठ योगी पुरुष जो है वो विकारों की बात में, खास करके काम विकार की बात में अकेलापन पाके दुर्योधन दुशासन बन पड़ता है। बनता जरूर है भले परसेंटेज में हो, कोई गलत बात हो तो हानू कानूना न कर करना। इसलिए उनको बैठा हुआ दिखाया गया है और विष्णु को खड़ा हुआ दिखा। कहाँ की यादगार है, सतयुग की या संगम युग की? संगम युग की यादगार है। भाव जब आसमान में ये सारे और ये ग्रह दिखाते हैं तो एक पार्टी एक का ही होगा दूसरे का तो नहीं होगा ना? है आसमान में जो सितारे और ये ग्रह वगैरह दिखाते हैं है? एक पार्टी एक का ही होगा दूसरे का तो नहीं होगा? क्यों नंबर बार दूसरों का नहीं होगा? अगले का होगा नंबर बार तो होंगे ना। शुक्राचार्य एक ही होगा क्या? उसकी भुजाएं नहीं होंगी? हाँ सूर्य का पार्ट जो है वो तो बाप का है। हाँ फिर बृहस्पति का पार्ट किसका? फिर बृहस्पति का पार्ट तो मुनि का ही है। फिर किसका? किसका है? सरस्वती का पार्ट। सूर्य जो है वो ज्ञान सूर्य कहा जाता है, बृहस्पति को ज्ञान सूर्य से उपमा नहीं दी गई है। राम की आत्मा और शिव की आत्मा दोनों में ज्ञान सूर्य कौन है?
राम की आत्मा ज्ञान सूर्य है, सदैव सदैव रोशनी ही रोशनी रहती है उसमें ना। अभी जो पूछा जा रहा है वो बात बताओ, दोनों में सदैव ज्ञान की रोशनी में सदैव आग का गोला कौन रहता है? शिव की सूल रहती है, कभी अंधेरे में तो नहीं आता सूर्य, नहीं। हाँ संगम युग में कहेंगे कि संगम युग में शिव बाप जब राम के मुकर्र रथ के द्वारा संसार में जब से भी प्रत्यक्ष होता है तब से लेकर अंत तक कभी भी अंधेरे में नहीं आता। इसलिए ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है, प्रजापिता का रात और प्रजापिता का दिन नहीं गाया हुआ है। पाताल में होता है कि और अपने चारों तरफ ही चक्कर काटता है वो कौन सूर्य, तो चक्रपति बनता है। किसी को पता नहीं होगा शायद, तुमको भी पता नहीं कि सूर्य एक जगह स्थिर है या चारों तरफ चक्कर काटता है। हाँ जी, अपनी जगह घूमना मनन चिंतन मंथन करना वो अलग बात। हाँ जी अपनी जगह, और दूसरों के चक्कर काटना तो नहीं होता ना। कैसे जो जो दूसरों के चक्कर काटेगा, दूसरों की परिक्रमा लगाएगा वो प्रजा बनेगा या राजा बनेगा? कौन? मेरी बिंदी का नाम शिव है। जब शरीर में प्रवेश करता हूँ तब प्रैक्टिकल पार्ट बजाता हूँ। जो ध्रुव तारा है वो ध्रुव तारा ध्रुव पुरुषार्थ की यादगार है तो आत्माओं के बीच में ही एक सितारा, लेकिन एक सितारा ऐसी यादगार है जिसके चारों तरफ सितारे घूमते हैं, देखने में ऐसा आता है, ऐसा नहीं वो चक्कर नहीं काटता होगा। नहीं समझ में आया? एक सितारा ऐसा है जो देखने में आता है कि एक ही जगह स्थिर है, लेकिन ऐसा कोई सितारा होता नहीं जो 84 जन्म में एक ही जगह स्थिर रहता हो। शिव को वास्तव में कोई पार्टधारी नहीं कहेंगे, पार्टधारियों के साथ उसकी तुलना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो सरस्वती और ये ध्रुव का तो मानेंगे ना? सरस्वती हाँ और ध्रुव हाँ, तो फिर एक पार्टी हो गया ना फिर तो दोनों की। जो बृहस्पति है वो इतना बृहस्थ बन जाता है, बृहस्थ रूप धारण करता है कि जितना और कोई सितारा ग्रह नक्षत्र बृहत रूप नहीं धारण करता। वो कब? जब उसमें शिव प्रवेश करता है। और जो ध्रुव है वो सिर्फ सितारा है इस बात की कि अपनी जगह पर अटल रहता है। वृक्षपति अटल नहीं दिखाया जाता है। तो दो प्रकार का पार्ट हो गया, यज्ञ के आदि में और यज्ञ के अंत में। आदि में राम वाली आत्मा चलायमान हो जाती है या निश्चल रहती है? चलायमान हो जाती, सितारे का पार्ट हो गया। तो उसे अलग माने माने फिर ये ध्रुव और ये क्या नाम है? पार्ट की बात, पार्ट अलग अलग है। एक है अटल पार्ट और एक है चलने वाला पार्ट। दो ही दिखाए हैं अलग, ध्रुव तारा अलग दिखाया है, बृहस्पति अलग दिखाया है। जब विनाश होगा तो सब सितारे आपस में टकराएंगे, तो जो छोटे छोटे हैं उनकी दुर्गति होगी ज्यादा, या जो बड़े से बड़ा है उसकी जास्ती दुर्गति होगी? छोटे छोटे टकरा टकरा के खलास हो जाएंगे, सब ग्रह खलास हो जाएंगे।
और एक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या नाम है उसका? बृहस्पति। और बाबा जो ठेठ चंद्रवंशी हैं तो सूर्यवंशियों में कौन से संस्कार मर्ज नहीं कर पाते? देह अभिमान जास्ती सूर्यवंशियों में होता है या चंद्रवंशियों में? देह का होना किस में जास्ती रहता है, माता में रहता है या पिता में? तो वो पिता है, वो माता है। हाँ, पुरुषों में काम विकार के मामले में जास्ती देवान होता है, पूरा नहीं। बाबा जो शरीर की संरचना होती है, हाँ? शरीर की जो संरचना होती है, शेर की शरीर हाँ? बनता है आत्मा, 4 महीने पहले उनका शरीर बनने लग जाता है। इसमें माँ बाप के संकल्पों का भी वाइब्रेशन होता है कि आत्मा के? क्यों नहीं होगा? अगर माँ बाप की याद में जागती रहती है तो बच्चे का चेहरा भी कैसा हो जाएगा? बाप के चेहरे से मिलता जुलता चेहरा होगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि बच्चे का चेहरा बाप का जो दुश्मन होता है उसका दिखाई पड़ता है। किसी बच्चे का चेहरा माँ के चेहरे से मिलता जुलता होता है, ऐसा क्यों होता है? है? क्योंकि माँ का लगाव जरूर और देहधारियों के लगाव से टूटा हुआ है। इसलिए माँ के चेहरे से मिलता जुलता होता है। हाँ, बोलते हैं ना सनत सनातन सनत में सनत कुमार, तो आदि सनातन देवी का धर्म जो है तो सनातन धर्म के ये उसके नाम से होना चाहिए। किसके नाम से होना चाहिए? नहीं, तो है सनत कुमार के नाम से, लेकिन बीच में सनातन धर्म आ रहा ना, तो सनातन के धर्म से क्या नहीं? ब्रह्मा के जो फॉलोअर है उनमें एक मात्रा बढ़ जाती है, ब्राह्मण। विष्णु के फॉलोअर हैं उनमें एक मात्रा बढ़ जाती है, वैष्णव। शिव के फॉलोअर हैं उनमें एक मात्रा बढ़ जाती है, शैव। तो सनातन के आधार पर अगर नाम दिया जाएगा तो मात्रा नहीं बढ़ेगी, वहां तो पहले ही बढ़ी हुई है मात्रा। हाँ, सनातन की मात्रा तो पहले ही बढ़ी हुई है, कैसे बढ़ाएंगे? इसलिए जो सबसे छोटा पुत्र है ब्रह्मा का, लेकिन ज्ञान में बहुत तीखा है, इसलिए ज्ञान के आधार पर उसके जो फॉलोअर्स हुए हैं वो सनातन धर्म के कहे गए। बाबा, कई बार बच्चे की शक्ल तो बात की तरह हो जाती है, मगर 90% कई बार उसका उठना बैठना, उसके गुण भी बाप जैसे होते हैं, आवाज भी बाप जैसी हो जाती है। तो पूजन के कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता है? शरीर की संरचना का हिसाब अलग, वो सेल्स काम करते हैं। फिर भाव स्वभाव पूर्व जन्म से आता है या शरीर के सेल्स के आधार पर आता है? पूर्व जन्म से भी आता है। बाबा, ये एक सीडी में आया है कि जैसे विनाश के टाइम पे पृथ्वी आग का गोला हो जाएगी, है? पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी विनाश के टाइम पे, हाँ? फिर जैसे चारों तरफ ज्वालामुखी फटेंगे, जब एटम बम ज्यादा विस्फोट हो जाएंगे पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और बैलेंस जब बिगड़ेगा तो ज्वालामुखी चारों तरफ फटेंगे, तो काहे का गोला हो जाएगी? आपका गोला हो जाएगी। जैसे फिर ठंडी होगी तो एक हिस्सा छिटक के अलग हो जाएगा। एकदम नहीं होता है कोई ऐसा,
ये तो उन्होंने कल्पना कर ली है वैज्ञानिकों ने कि पृथ्वी को ठंडा होने में बड़ा लंबा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में ज्यादा हिस्सा समंदर का है या पृथ्वी का है? समंदर का है। इसलिए जो भाप बनकर के ऊपर उठेगी, समंदर कहीं कहीं तो इतना गहरा है कि आज तक वैज्ञानिकों ने समंदर की गहराई नहीं नाप सके, तो कितना पानी होगा? ये सारा पानी आग में खोल करके भाप बन के ऊपर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? हैं? उड़ जाएगा। तो ज्यादा समय तक ऊपर ही बादल बन कर के ही रहेगा क्या? बारिश भी जल्दी होगी। और ये था ना जी बाबा, ये वो जो हिस्सा चंद्रमा बन जाएगा ऐसा कुछ? हाँ, जब एकदम गर्मी और एकदम सर्दी, तो कहीं भी सड़क देख लो क्या हाल होता है, हैं? फट जाता है ना। वहां तो थोड़ी गर्मी और थोड़ी सर्दी होती है, और यहाँ तो अपार गर्मी और अभी अभी अपार ठंडी। जो इस समय चंद्रमा है ना, हाँ, ये तो है ही, फिर दूसरे चंद्रमा बन। अभी चंद्रमा को सबसे जास्ती कौन सा ग्रह आकर्षित करता है? बेहद में देखो, हैं? बेहद में भी पृथ्वी चंद्रमा को, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को सबसे जास्ती आकर्षित करती है। तो जब आग का गोला बनेगी तब क्या हाल होगा? टपक पड़ेगा कि नहीं? हाँ, आप बोलेंगे विनाश के समय 600 फुट पानी चढ़ जाएगा, बम्बई रह जाएगी क्या? हाँ, आप फुटों की बात कर रहे हैं, मीटर की भी बात नहीं कर रहे। जो उत्तर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो पहाड़ है वो सैकड़ों किलोमीटर ऊंचे हैं। वो भूल गए, वो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ जब समंदर में आकर के फट के गिरेंगे तो 100 फुट ऊंचा होना बहुत बड़ी बात हो गई क्या? 100 फुट ऊंचा क्या है, 10 मार का मकान जो बंबई में बहुत बने हुए? कितने कितने मार के बने हुए अभी? 40-40 मार के बने हुए। हाँ, बाबा एडवांस में जो मुरली चलती है शिव बाबा की, रोज ही चलती है तकरीबन, तो जो दादा लेखराज की आत्मा है, रोज कहाँ चलती है? लगभग जो जो दुनिया में प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ तो रोज पढ़ाई होती है, और जो रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं उनकी रोज पढ़ाई होती है क्या? होती है नहीं? कभी होती है कभी नहीं होती। जनरल होती है तो दादा लेखराज की जो सोल है उतने दिन ही तो पढ़ने आती होगी इधर भी तो। ये क्या बात हुई, दादा लेखराज की सोल अभी एडवांस पढ़ाई नहीं पढ़ रही है? और फिर जब उधर भी जाती है रक्तवाणी चलाने के लिए माउंट आबू में, हाँ, तो उस दिन सुबह इधर भी तो आकर के जाती होगी कभी कभी। तो आत्मा को जाने और आने में कितना टाइम लगता है? आत्मा को जाने में और आने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, हमारी आत्मा को पुरुषार्थ करते समय निराकारी स्टेज में जाने में और आकारी और साकारी स्टेज में आने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड, तो क्या बड़ी बात हो गई? वहाँ सुनाती है जो वैक्सवाणी सुनाती है, तो एक सेकंड इधर नहीं आ सकती? ठीक है, आ जाती है, लेकिन वहाँ बताती नहीं, फिर मैं वहाँ जाकर आई थी सवेरे। क्यों बताए? जब सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गई, जब सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गई तो बंधन में आया हुआ कैसे बताएगा? वो तो माया के पंजे में आ गया है। ब्रह्मा की सोल शेष आत्मा है, लेकिन कुमारिका दादी की चलाई क्यों चलती है? किसके बंधन में आ गई?
इस्लाम धर्म की जो हेड है उसके बंधन में हम उससे बात नहीं कर सकते। जहाँ पर क्या कॉन्फ्यूजन बना किया, जाओ ना जहाँ पर नहीं बुला सकते, बुलाओ ना जाके गोलजार दादी को पकड़ के ले आओ इधर। हाँ मैंने रुद्रमाला में कुछ मणकों का ग्रुप जो है वो सूर्यवंशी का ग्रुप नहीं है। हाँ सभी मणके स्वरूप पुरुष स्वभाव के हैं, लेकिन लेकिन कुछ मणके जो हैं उनमें जास्ती पुरुष स्वभाव होगा ना औरों के मुकाबले। झुकने वाले कम होंगे या झुकने वाले जास्ती होंगे, नंबर वार होंगे कि नहीं? और धर्म वाले जास्ती झुकते हैं या सूर्यवंशी जास्ती झुकने वाले होते हैं? और धर्म वालों को झुकना पड़ता है, सच्चाई कभी झुकती नहीं है किसी के सामने। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है, सत्य में इतनी ताकत है। तो ये सूर्यवंशी ग्रुप है जिसकी रचना डायरेक्ट सूर्य के द्वारा होती है। माँ कैसे बनती है भाई? ये माँ कैसे बनती है, नंबर वार है कि नहीं है? अरे रुद्रमाला में ही पहला मणका और आखिरी मणका में कितना फर्क है, है? कुछ भी नहीं है, 108 का फर्क नहीं है। हाँ दोनों एक साथ किस आधार पर हो गए? भगवान के नजदीक हैं, ईश्वर के नजदीक हैं, बाकी नंबर में तो वास्त अंतर है। तो ऐसे ही ये 12 ऐसे हैं, नहीं 8, उनमें ये अंतर है। आठ में बाबा कौन से नंबर में ये जोगिनी बहन? श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार के आधार पर जो बाप का जास्ती सहयोगी बनता है, आदि से लेकर के अंत तक सहयोगी बनता है, वो ऊंचे नंबर पर होना चाहिए या अंत में धोखा दे के छिटक के अलग हो जाए और लंबे समय तक सहयोगी बने, बाप के साथ रहे, उसका ज्यादा नंबर ऊंचा होगा? निभाने वाले को ज्यादा नंबर मिलते हैं या लंबे समय तक सरेंडर होकर रहने वाले को ज्यादा नंबर मिलते हैं? बात खत्म। इसलिए बोला लास्ट में आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं। पहले हम सेवा करते हैं, लिखते रहे हैं तुलसी के बाद केरा ब्रह्मा वाली लिखते रहे पहले क्या? हाँ जिसकी नजर में ये पक्का बैठ गया कि हम शिव बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, तो वो शिव बाबा ही लिखेंगे या उन्हें बीच वाला याद आएगा? है शिव बाबा याद आएगा, क्योंकि शिव बाबा जो है वो निराकारी स्टेज वाला होता है, उनको निराकारी स्टेज ज्यादा आकर्षित करेगी या साकार ज्यादा आकर्षित करेगा? निराकारी, निराकारी के बच्चे होंगे तो निराकार आकर्षित करेगा, साकारी के बच्चे होंगे तो साकार आकर्षित कर लेगा। क्या प्रजापिता ब्रह्म लिखो, एक ही कैसे हो गई? ब्रह्मा की दिन और रात होती है और प्रजापिता की दिन और रात नहीं होती है, तो एक कैसे कर दिए तुमने? ब्रह्मा अनेकों के नाम होते हैं और प्रजापिता एक का नाम होता है, फिर भी एक कर दिया, कुछ लफड़ा है? कहाँ से है? कलकत्ते से। कौन से मोहल्ले से? मोहल्ले का नहीं हुआ, आदपुर से। आदपुर श्याम नगर। आदपुर से, अच्छा। हाँ सुंदर नगर से बन जाओ।
और शास्त्र में जो गायन है जो संगम कृष्ण का गायन है ना, शास्त्र में जो गायन है संगम कृष्ण का गायन है। किसका गायन? संगम कृष्ण का। हाँ जी, वो जो है ये बोला हुआ है ना कि ये कृष्ण को बहरी ने वो ये बहरी ने जो कृष्ण को तीर मारा। हाँ? तो और ये तो ब्रह्मा के ऊपर है ये तो। हाँ, ब्रह्मा के ऊपर है। जो भी गायन है शास्त्रों में वो अंत समय के गायन है। नहीं, ब्रह्मा वालों की तो ये तीर वो उनकी डेथ हुई थी, उनको जो तीर लगा है वो वास्तव में अंतिम तीर है या इससे भी बड़ा कोई तीर है? कृष्ण की आत्मा अंतिम में, अंतिम समय में जब ब्रह्मा से विष्णु बनेगी तो कोई तीर लगेगा कि नहीं? तो भी कोई बड़ा तीर लगेगा जो अपनी हठ छोड़ देगी कि मैं गीता का भगवान नहीं हूँ। उससे पहले का तो निगलेक्ट होगी। निगलेक्ट होता नहीं जाएगा। जो भी गायन है शास्त्रों में, जो भी पूजन है, वो अंतिम समय के हैं या मध्य और आदि के हैं? हाँ जी, और विजय महाराज में सभी चंद्रवंशी है। सूर्यवंशियों के मुकाबले चंद्रवंशी हैं या कोई सूर्यवंशी भी है? सूर्यवंशी किन्हें कहा जाता है जो सूर्य को फॉलो करे? चंद्रवंशी किन्हें कहा जाता है जो चंद्रमा को फॉलो करे? जितने भी दूसरे धर्म वाले हैं चंद्रवंश के बाद वो ब्रह्मा की गोदी में पलते हैं कि यज्ञ के आदि से सूर्य की गोदी में पले, ब्रह्मा की गोदी में पले, तो चंद्रवंशियों की औलाद हो गए ना? दूसरे दूसरे वंशों के लिए मिक्स है, माने सूर्यवंशी के हैं चंद्रवंशियों में। जो विजय माला निकलेगी उनमें कोई सूर्यवंशी होगा? नहीं होगा। इस्लाम वंशी होंगे, बौद्ध वंशी होंगे, क्रिश्चियन वंशी होंगे, सब धर्मों के होंगे, लेकिन उनमें से 10% ही विजय माला में उठाए जाएंगे। 10 भी नहीं, 9%। बाकी जो दूसरे धर्म के हैं वो क्यों उठाए जाएंगे? बाबा जब भारी रेवोल्यूशन होगा है, भारी रेवोल्यूशन जब होगा तो जो रुद्रमाला के मनके हैं वो पदार मूर्तों से मिलेंगे। सब मनके क्यों मिलेंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी को छोड़कर है, तो रुद्रमाला के बाकी जो और धर्मों के हैं वो सभी वहाँ से मिल जाएंगे। उनको नहीं मिलेंगे तो भारी रिवोल्यूशन कैसे होगा? भारी रिवोल्यूशन तो तब हो जब मुट्ठी भर सूर्यवंशी एक तरफ और बाकी सब दूर दूसरे दूसरे वंश के अपने अपने ग्रुप में चले जाएं, मिक्स हो जाएं और सारे मिलकर के एक छोटे से ग्रुप के ऊपर आक्रमण करें। जैसे सीरियल दिखाए जाते हैं टीवी में, दिखाए जाते हैं कि नहीं? तो हीरो को कैसा दिखाते हैं? हीरो पार्टधारी होते हैं उनको क्या दिखाते हैं? हैं? अकेला दिखाते हैं। आक्रमण करने वाले चारों तरफ से आक्रमण करते हैं और वो अकेला मुकाबला करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा के आधार पर शिवाजी के फॉलोअर्स कितने थे? मुट्ठी भर थे। और औरंगजेब की सेना कितनी तादाद में होती थी? लाखों की तादाद में। तो रिजल्ट क्या होता था? नाकों चने चबा दिए। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप होता है। नया संगठन है इसके बारे में होगा। हाँ, कहाँ है, कैसे होगा? कहाँ है, कैसे होगा? बाबा उनके पार्ट बतावेंगे एक एक के बैठ के। हाँ, स्थापना रहेगा। क्या ऐसा बोला है अभ्यक्तवाणी में कि बाप दादा कोई संगठन के या कोई व्यक्ति के पार्ट बैठ करके बतावेंगे? पार्ट नहीं होगा। हाँ, कहाँ होगा? माने पार्ट खुल गया ना, उनका एड्रेस बता दो।
पुराने और नए संगठन में कर्म करने से हो जाएंगे या पूछ करके हो जाएंगे? कर्म तो करना ही है। तो आप तो पूछने से होना चाहते हैं बाबा, कभी तो पता चलेगा आगे जा करके। मैंने है? कभी तो पता चलेगा ही आगे जा करके। दोनों डेट ही बता दो। जो स्वर्ग में चले जाते हैं उनका पता चलता है भक्ति मार्ग में कि कहाँ चला गया है? पता चलता है, ढूंढ लेते हैं। फिर आप जब उस स्टेज में जाएंगे तो आपको भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अरे माने अभी फाइनल परीक्षा शुरू नहीं हुई, लास्ट है, अभी शुरू नहीं हुई, नंबर आउट हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू नहीं हुई। तो परीक्षा चालू हो गई तो जो फाइनल पेपर है वो शुरू नहीं हुआ होगा। एक सेकंड में क्या? तो एक सेकंड में ही पेपर आउट हो जाता है एक मुट्ठी में। स्वर्ग की दुनिया और दूसरी मुट्ठी आप फैलाए लाओ। बनो नस्ते हुआ एक सेकंड में विश्व की बात सही तुम्हारी। परसेंटेज में देखा जाता है, ऐसे नहीं कि जो नए संगठन में पहुंच गए, नई दुनिया का फाउंडेशन डाल रहे हैं अंडरग्राउंड में, तो सब संपन्न हो गए 100%। ऐसे नहीं है। औरों के मुकाबले जास्ती नष्ट मोह जैसे बेसिक की परीक्षा होती रही तो बोला आत्मरूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे, तो सारी कट उतर गई क्या? नहीं। तो विजयमाला के जो 2,25,000 मनके हैं वो जब रुद्रमाला से मिल जाएंगे, 4,500 का संगठन बन जाएगा, उसके बाद फिर आपने बताया कि वो इकट्ठे प्रचारित करेंगे, जैसे जो ओवल से मतलब के बच्चे वगैरह होंगे जो नई दुनिया वाले, कृष्ण का जन्म होगा 18 में लगभग, तो उससे पहले वो मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे या अपने अपने स्थानों पर होंगे दोनों मन के? नंबरवार प्रचार के अनुसार जैसे उनकी जोड़ियाँ बनेंगी तो वो किस साल तक बननी चाहिए? जोड़ी बनने का मतलब पहले आत्मिक स्थिति में रह करके जोड़ी बनेगी कि देवान के सहित जोड़ी बनेगी? तो जो आत्मा बनेगी उनको जोड़ी की क्या चिंता रहेगी? जिनको जोड़ी की चिंता है वो स्वधर्मी है या विधर्मी है? क्या है? जो दूसरे धर्म की आत्माएं होती हैं वो अपनी शादी अपने आप कर लेती है, उनको ज्यादा चिंता रहती है। तो राम वाली आत्मा जो है सीता वाली आत्मा से नहीं मिलेगी क्या? बड़ी भारी चिंता है। ये संकल्प जो है ये संकल्प देह अभिमानियों को उठेगा, विदेशी आत्माओं को उठेगा कि हम साथ साथ रहे देह सहित, या आत्मा बनने वालों को उठेगा? रूहानी बाप किनको पढ़ाते हैं? रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं जिन्हें पहले से ही चिंता हो हमारी जोड़ी किसके साथ बनेगी, कैसे बनेगी। बहुत से तो रुद्रमाला के अंदर ही जोड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। बाबा जोड़ी तो बनी नहीं, ऐसे तो चलो तो ठीक है, संकल्पों में ही। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मतलब क्या हुआ जी? जोड़ी का मतलब क्या हुआ फिर? जोड़े बनाए 2,25,000 उनका क्या मतलब क्या हुआ? उनका कपल कैसे बनेंगे? भारत में पत्नियां जौहर करती थी, जान जाती थी कि युद्ध में हार हो गई, पति ने शरीर छोड़ दिया, तो शरीर मिलेगा उनको?
उनको शरीर मिलता था क्या? अरे जिंदा शरीर की आस पूरी होती थी? नहीं होती थी, फिर क्या कर देती थी? कौन सी आस लगा के? आत्मा से मिलेंगी या वही शरीर मिलेगा? आत्मा से मिलेंगी। ये तो वो तो देवान की दुनिया थी, और अभी तो हम ब्राह्मणों की दुनिया कौन सी है? आत्मा अभिमानियों की दुनिया है। देह अभिमान के तो संकल्प आना ही नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम ललक लेके जी रहे हैं ब्राह्मण जीवन में कि विजय माला से कोई निकलेगी। इस दुनिया के जो युगल हैं उनसे तो आपस में बनती नहीं है, तो आस धरी हुई है। और जहाँ जगत होता है वहाँ जगदम्बा भी होती है, जगत पिता भी होता है। जगत नहीं होगा तो दोनों ही नहीं होंगे। एडम और ईव जो कहा जाता है वो जगत पिता जगदम्बा की बात है या भारत माता की बात है? नहीं तो एक ने तो बोला ना कि जो क्या नाम है एक के पति बने थे ये सब पति बन जाते हैं। तो पतित बनने की शुरुआत जगदम्बा से होती है या भारत माता से होती है? तो जगदम्बा के साथ जगत पिता होगा कि नहीं? तो होंगे, साथ ही साथ रहेंगे ना फिर। भारत माता होगी? होगी भारत माता, लेकिन किस रूप में होगी ये तो पता नहीं। साथ में होंगे, कोई ना कोई संबंध में साथ होंगे, ढेर सारे संबंध है। कोई जरूरी है थोड़ा ही है कि पति पत्नी का संबंध ही साथ निभाने वाला होता है, और संबंध साथ निभाने वाले नहीं होते हैं क्या? और पद्म फूल के समान कोई रहती है तो पद्मा नदी का गायन है। और अरे 500-700 करोड़ की दुनिया है, उन 500-700 करोड़ आत्माओं में राम वाली आत्मा का तो सबसे कनेक्शन है, उसके लिए तो ये संभव नहीं है क्या? कि संगम युग में एक के साथ ही रहे, यहाँ रहेगा तो वहां भी रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा मन बुद्धि से तो वहां भी नहीं रहेगा। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में कोई पत्ता तो ऐसा होगा जो जन्म जन्मांतर जो खून का संबंध होता है पति पत्नी का, उसमें एक के साथ रहे, खास करके पत्नी के रूप में। क्योंकि स्त्री जब व्यभिचारिणी बनती है तो जास्ती पतन होता है, पुरुष अगर व्यभिचारी बनता है तो उतना पतन नहीं होता है। स्त्री के व्यभिचारिणी बनने से खून ही खराब हो जाता है, खून अंदर पेट में जाता है, पुरुष के पेट में खून नहीं जाता है। और भगवान कहना है कि जब भी दुनिया मेरी है तो असली दुनिया में नहीं है क्या? है? तो असलों के गुरु जो है
शुक्राचार्य जी हैं। हाँ तो भी ज्यादा पावरफुल गुरु कौन है? है? अरे बृहस्पति में और शुक्राचार्य में ज्यादा पावरफुल कौन है? तो तुम्हारी बुद्धि में यही बात क्यों आती है कि प्रजापिता भी शुक्राचार्य होना चाहिए? कानू अच्छा संकल्प चल रहा है, हर बात से प्रत्यक्षता होती है। हर एडवांस की हमारे शहर में पाठशाला है नहीं है? एडवांस की हमारे शहर में पाठशाला है नहीं, तो बना लो। चलो बनेगी जब बनेगी, अपने आप थोड़ी बनेगी, आप पुरुषार्थ करेंगे तो बनेगी, अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। और बाबा जो कोई ऐसे आत्मा है, सवा पांच हो रहे हैं, उठता कोई भी नहीं, फिर बाद में जाएंगे, क्लास लेट हो गया, हमको कहना नहीं फिर। बाबा एक ऐसा नया भाई है जो थोड़ा दूसरे का थोड़ा सा जैसे प्रदर्शनी का नॉलेज दिए हैं उसको, और वो कहते हैं कि जैसे कि जैसे संगठन होता है चंडीगढ़, जब कभी मान लीजिए बाबा ना आए, अगर जिसमें वो कहता है कभी कि हमें भी वहाँ चलो ले चले हमें भी, क्या उसे हम ला सकते हैं? आपकी इच्छा है तो जरूर भगत बनाने की इच्छा होगी या ना? अरे आँखों से देखने से शिव बाबा देखने में आ जाएगा, इन आँखों से शिव बाबा देखने में आता है तो कौन सी आँख से दिखाना चाहिए? वो नहीं दिखाएंगे, माने वो जैसे कहेगा वैसे ही चलेंगे। हाँ बाबा जैसे कहेंगे वैसे नहीं चलेंगे, तो बाबा यही कहते हैं तीसरा नेत्र खोलो। हाँ तो भक्ति मार्ग में ऐसा होता नहीं है कि जो बीज रूप बाप होता है वो कन्वर्ट नहीं होता और कन्वर्ट हो जाते? बाबा एक मुरली में बोले हैं कि अगर कोई भाई अगर आना चाहता है संगठन क्लास क्लास में आना चाहता है तो उसे लाना चाहिए। कौन भाई बोले? बाबा मुरली में बोले हैं। बाबा ने कहाँ बोले? बाबा ने कहाँ बोले कि बाबा की क्लास में ला के बैठा दो? बाबा की क्लास में नहीं। हाँ हाँ और क्लास में ला। हाँ ठीक है, गीता पाठशाला खुली नहीं, ले जा मिनी मधुबन में, ले जा मिनी मधुबन। जो अज्ञानी लोग हैं दुनिया के उनको ला सकते हैं? आप ज्ञान आ रहे हो अपने मर्जी से, कहता है हमको ले चलो कभी एक बार नहीं ऐसे क्लास किसी के कहने से क्यों ले आओगे जब तो मालूम है कि बाबा क्या चाहते हैं? दुनियावी लोगों को गीता पाठशालाओं में तो हम बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, मिनी मधुबन में भी बुलाते हैं, तो जो अपने आप कहता है कि हमको ले चलो तो हमारे कुल का है तभी तो कह रहा है, पूछ लेंगे इसके बाद ही कुछ नहीं है। पूछने की कोई बात ही नहीं, इसे वंचित हो गया है, विरोधी हो गया है, वो भी अगर कहता है कि हम मिलना चाहते हैं तो लाना चाहिए। हाँ उनसे बाकायदे फार्म भरवाओ, दिल का सच्चा होगा तो फार्म भरेगा, अपने हस्त राइटिंग देगा,
झूठा होगा तो साइन करने में झिकझिकाएगा। बाबा जो डायरेक्ट जूनियर एडवांस में आए हैं और कौन आए डायरेक्ट एडवांस में आए हैं, वो उन्होंने बेसिक नहीं दिया डायरेक्ट आए हैं। हाँ जी, तो उसके अंदर भाई जी ने अगर कोई भाई जी ने ही उनको जो है ना ज्ञान के बारे में समझाया है या उन्होंने बताया है तो अभी उसके बाद तो मैं बेसिक में गया ही नहीं, यानी कि बेसिक से वहाँ ज्ञान लिया ही नहीं या उनके बीच में संगठन में गया ही नहीं। हाँ। तो मैं तो डायरेक्ट एडवांस में आया था, एडवांस में ही ज्ञान लिया था। हाँ। तो बाबा से ही मिला था। हाँ। पहले ही मिला था, बट्टी से पहले ही मिला था। हाँ। तीन चार बार मिल चुके हैं। ठीक है, तो उसमें कोई जानबूझ के तो नहीं मिले? नहीं, जानबूझ के नहीं, खत्म बात। बाई चांस हुआ तो पूर्वजन्मों का हिसाब किताब है, बाबा के साथ आपका विशेष हिसाब किताब होगा। आपकी उम्र क्या है? उम्र तो मैं 47 का जन्म। 47? हाँ, तो पूर्वजन्म में भी तो एडवांस बेसिक में आ गए होंगे, नहीं हो सकता? हाँ, एडवांस में फिर कन्वर्ट कैसे होते हैं? कौन? कोई भी जो भी कन्वर्ट होते हैं, वो कन्वर्ट तो हो नहीं सकता ना, इस तरह जब किसी को पैदा क्या ऐसा भी जान दिया ना उसका। ये मैंने बेसिक वाले सब कन्वर्ट नहीं होते, बेसिक वाले होते हैं ना, तो ये बीज रूप में तो नहीं होना चाहिए ना। जो बेसिक में है वो भी जो बेसिक में आते हैं उनको प्राइमरी स्कूल नहीं में पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहिए। बीज रूप आत्माओं को, जो भी बीज रूप आत्माएं हैं दुनिया की, उनको बेसिक नॉलेज पढ़ने की दरकार नहीं है। जिसको एडवांस आएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ कन्वर्ट होना थोड़ा ही कहा जाता है। कन्वर्ट होना तो उनको कहा जाता है जो मुरली की मत पर न चले, अपनी मन मत मिक्स करें। भी नहीं कह सकते वैसे उनको, कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से उनको दोनों के हिसाब से सुदर्शन के एग्जाम्पल के हिसाब से उनको भी वो कन्वर्ट नहीं कह सकते बीज रूप। अरे सुदर्शन वगैरह ये नाम तो यहाँ के रखे हुए हैं, कोई है थोड़े ही ऐसे कौन का लड़का हुआ वो, उनका लड़का हुआ वो। जिस आपने बताया हुआ तो उस हिसाब से कह रहे हैं। किस हिसाब से? क्या नाम है? अरे जो भी बेसिक में आएगा, बेसिक नॉलेज पढ़ेगा, प्राइमरी स्कूल पढ़ेगा, वो ऊंची कक्षा में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, उसको कन्वर्ट होना कहेंगे फिर? तुम तो और यही कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एडवांस में आने के बाद हाँ जो हिम्मत पे नहीं चलता तो वो फिर गायब कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो पूर्वजन्म में कन्वर्ट हुए होंगे तो यहाँ भी कन्वर्ट होंगे। बीज में अगले जन्म में जाके दूसरे जन्म में नहीं जाते है तो वही आत्मा, वो अपना लक्षण नहीं दिखाएगी, कोई दूसरी आत्मा है क्या? आत्मा तो वो ही है। हर घर में जिसको साक्षात्कार होते हैं वो किस चीज के होता है साक्षात्कार? भक्ति मार्ग में लोगों को स्वप्न होता है। हाँ, स्वप्न साक्षात्कार एक ही चीज है, अंतर कोई खास नहीं है। स्वप्न में भी देखते हैं, साक्षात्कार में भी देखते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता। स्वप्न में भी आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर से उड़ती उड़ती रहती है, और साक्षात्कार में भी आत्मा सूक्ष्म शरीर से जाती है देखने। ये है कि साक्षात्कार बाबा कराते हैं या ड्रामा प्लेन अनुसार होता है। स्वप्न में उससे आत्मा उड़ती है, बाहर शरीर को छोड़ देती है। हाँ, कभी कभी उड़ते हुए का भी अनुभव होता है, है? ज्यादा तेज पुरुषार्थ करेंगे तो उड़ती कला का भी अनुभव करेंगे स्वप्न में। बाबा जो पेट भर जाने तो एक घंटा हुआ है। बाबा जो 33 करोड़ देवताओं की लिमिट बताई है, हाँ 33 करोड़ देवताओं की लिमिट बताई है। हाँ जी, तो द्वापर युग से जो परम धाम से जा रहा है हाँ वो दूसरों में प्रवेश करते हैं। हाँ, पहला जन्म हाँ? तो जो 50 करोड़ वाली लिमिट वो कहते हो क्यों?
जो ऊपर से आत्माएं देवी देवता सनातन धर्म की आएंगी 23 करोड़, वो पुराने देवताओं में प्रवेश नहीं कर सकती जो नॉन कन्वर्टेड हिंदू हैं। हाँ हाँ।